फोटो प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली के ललित कला अकादमी में हो रही है। इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन के आयोजन करता है अदीश सी अग्रवाला जी, और इस वर्ष भी उन्होंने लगाया। मौजूद हैं अर्जुन राम मेघवाल, भुवनेश्वर कलिता, एक्स सी जी आई बालाकृष्णन जी, तमाम लोग इस अवसर पर उपस्थित हैं। देखें यहाँ भव्य नज़ारा। पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को खास बनाया जा रहा है यहाँ। Hopes and time when and I have had the opportunity working with them, but the present minister is the people's minister. Although one thing more, I have not taken till now anything. Others may have given me. You are already have many things. Thank you, sir. आदिश अग्रवाल जी, वेरी इंडियाज व्यू ऑन क्रूशियल डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल इश्यू आर डेलिब्रेटेड अपॉन इन अदर कंट्रीज विच शो द इम्पोर्टेंस गेन्ड बाय इंडिया अंडर मोदी जी लीडरशिप। इफ मोदी जी स्पीक्स वन लीडर्स लिसन एज ही स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ द पीस लाइक द लैंड। सेरेमनी इन फिजिकल एंड वर्चुअल मोड। जय हिंद। इस अवसर पर यहाँ अग्रवाला जी हैं, पूरी मेहनत करते हैं। अब चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रदर्शन किया गया है। भारत का मान और सम्मान इन्होंने कितना बढ़ाया, ये सब चित्रों के माध्यम से पता चलता है। आज का दिन भी विशेष है। प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। थैंक यू सर आदिश अग्रवाल जी। देखिए, आज का जो फंक्शन है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है। आइए सर, हर्ष आइए। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी, हर्ष मल्होत्रा जी आइए सर। 7 o'clock, लेकिन आजकल ट्रैफिक इतना रहता है कि 1.5 घंटा लगेगा, ऐसा मुझे बताया गया है। और मीटिंग एकदम 7 बजे शुरू होगी। ये आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जयंती का मतलब जो हाथ से काम करता है, थोड़ा सा नीचे किया, जो लकड़ी के साथ काम करता है, औजार से काम, घड़ा बनाता है, ये जितने भी हाथ के हुनर को जानने वाले कारीगर हैं उनके लिए विश्वकर्मा जयंती का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माण, वो निर्माण के हमारे देवता भी हैं, हमारे ऋषि भी हैं, उनका आज जन्मदिन है। वन नेशन वन पोल वाला जो एक है इशू, उसको सरकार ने कहा है कि इसे कैनोर में लेकर आएंगे, कब तक उम्मीद कर सकते हैं सर आ सकते हैं? देखिए, आपको आज जो प्रेस में बहुत से हमारे सीनियर मंत्रियों ने भी ब्रीफ किया हुआ है, तो ये मोदी जी के 3.0 कालखंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आप आगे देखते रहिए, जल्दी आपको सकारात्मक इसमें समाचार मिलेंगे। हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके लिए एक एग्जीबिशन ये कई सालों से लगाते हैं। अभी भी हम देख रहे थे कि ये जो इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन ऑन नरेंद्र मोदी, ये चैंपियन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ल्ड पीस, और उसके लिए जो मंच सजा हुआ है, उस मंच पर हमारे माननीय इंद्रेश जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे जस्टिस के जी बालाकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के, श्री नजर मरीजान मोहम्मद एम्बेसी ईरान की, और ये एग्जीबिशन का अवसर भी दे दिया आदिश अग्रवाला जी ने। तो सारे फोटो नजर आ रहे हैं, कोरोना कालखंड के फोटो मोदी जी के नजर आ रहे हैं, दाढ़ी के फोटो भी नजर आ रहे हैं, जिसमें लगता है कि मोदी जी ऋषि हैं। लगता है, नहीं लगता आपको? तो आदिश अग्रवाला जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई, कितना अच्छा है।
कलेक्शन किया है, इसलिए मैं आदिश अग्रवाला जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है देश और दुनिया में, उसके लिए मोदी जी को भी बधाई देते हैं और ऐसा आगे भी वो हमारा नेतृत्व करते रहेंगे, इसके लिए भी हम मंच से उनको पूर्ण ये कहते हैं कि ये आपका कालखंड तो ऐसा गुजरेगा ही, लेकिन जो आदिश अग्रवाला जी ने भविष्यवाणी की है वो 29 का कालखंड भी आएगा क्या है?